अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो एनईटी के रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एनईटी की तैयारी किस तरह की थी और आपको किस तरह करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि एनईटी नस्ट का एंट्री टेस्ट है और ये नस्ट में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी है। तो मैंने एनईटी वन और एनईटी टू अटैम्प्ट किया था। एनईटी वन में मेरे 122 और एनईटी टू जो कोरोना की वजह से डिले हुआ था और जाके अगस्त में हुआ था उसमें मेरे 160 मार्क्स आए थे और 150 प्लस आ गए थे एनईटी टू में, तो इसलिए मैंने फिर एनईटी नहीं दिया। तो जो एनईटी होता है वो ना ज़्यादा मुश्किल होता है ना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम ई कैट एनईटी से कंपैरिजन करो तो ई कैट काफ़ी मुश्किल होता है, उसके कंपैरिजन में एनईटी थोड़ा आसान होता है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था एनईटी वन जनरल टाइप का होता है और एज़ कम्पेयर टू एनईटी टू, एनईटी वन में मैट्रिक्स और जनरल टाइप चीज़ें पूछ लेते हैं जबकि एनईटी टू और थ्री कोर्स से के अंदर से ही आते हैं। असल में एंट्री टेस्ट में दो चीज़ें चेक होती हैं, एक तो ये कि आपको कितना आता है और दूसरा ये कि आपको प्रेशर हैंडल कितना करते हैं। अगर आपको आता है लेकिन आप प्रेशर हैंडल नहीं करते तो आपका एंट्री टेस्ट अच्छा नहीं होगा। एनईटी के लिए वैसे शुरू में तो उन्होंने 3 दिन दिए होते हैं लेकिन वो ऑलमोस्ट ये प्रोसेस पूरा महीना चलता रहता है, तो आप एनईटी पहले शुरू में सिलेक्ट करने के बजाय आखिर में करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि पहले जो एमसीक्यूज बहुत होते हैं रिपीट होते रहते हैं तो आपके आखिर में देंगे, तो आपके जो क्लास बैच मेट्स होंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या क्या आया था उसमें, काफ़ी सारे एमसीक्यू आपके पेपर में भी रिपीट होके आ सकते हैं। एनईटी में काफ़ी बच्चे पास पेपर के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो पास पेपर इतना मैटर नहीं करते एनईटी में, बहुत सिंपल सवाल आते हैं। अक्सर जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें आपको डेटा दिया होता है, अपने सिंपल फार्मूले इंपोर्ट करके वैल्यूज निकालनी होती है, लेकिन बस आपके वहाँ ब्रेन को क्लिक करना चाहिए कि हाँ कौन सा फार्मूला लगेगा और मैंने ये किस तरह सॉल्व करना है। बाकी जैसा कि आपको वेटेज का पता है, सबसे ज़्यादा मैथ किया, फिर फिजिक्स किया और फिर केमिस्ट्री और इंग्लिश और आखिर में इंटेलिजेंस, तो सबसे ज़्यादा तो आप अहमियत मैथ को दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें और फिजिक्स उसे इन दोनों की अहमियत दें। बाकी केमिस्ट्री का बहुत सिंपल होता है और सिंपल बुक से स्टेटमेंट उठा के वही पेपर में दी होती हैं। इंग्लिश में सिंपल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं और अक्सर एक पैराग्राफ दे देते हैं, उस पैराग्राफ के रिलेटेड 2-3 सवाल पूछ लेते हैं। बाकी इंटेलिजेंस का पोर्शन जो होता है वो बहुत आसान होता है, वो लॉजिकल होता है और लेकिन उसमें ये है कि आपने प्रैक्टिस करके लाजमी जाना है, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए वो और भी ज़्यादा ईजी होगा। और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, आप क्रोम पे देख सकते हैं, क्रोम पे काफ़ी उसके रिलेटेड डेटा मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने अपने टाइम को ना अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, वहाँ एमसीक्यूज ज़्यादा होते हैं और टाइम थोड़ा कम होता है और ऊपर से प्रेशर भी होते हैं, तो आपने टाइम को घर से ही डिस्ट्रीब्यूट करके जाना है। और बाकी इंटेलिजेंस और मैथ 50 एमसीक्यूज बनते हैं, अगर आपको ये आते होंगे तो आप 15-20 मिनट में भी ये कवर कर सकते हैं। इस तरह आप इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाएं जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अपना टाइम लगा सकें। अपने पेपर अटैम्प्ट करते वक्त सबसे पहले आसान पोर्शन करने, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप वो आसान पोर्शन करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो मुश्किल सवाल होंगे आप वो भी आराम से हल कर सकते हैं। दो सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही लेंथी होते हैं, तो आपने उन्हें छोड़ देना और आपने उन्हें आखिर में अगर टाइम बचे तो उन्हें अच्छी तरह अटैम्प्ट करके उनका आंसर निकाल लें, उन पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। लेकिन अगर आपको कोई पोर्शन मुश्किल लगा है तो आपने उस पर पैनिक नहीं करना, आप क्या उससे अगला पोर्शन शायद उससे बहुत काफ़ी ईजी हो, तो आपने कई भी पेपर में पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना, ईजी रहने। और आप ये कि आपने तैयारी किस तरह करनी है, आप एनईटी की तैयारी के लिए सबसे अहम चीज़ें एफएससी की बुक्स जो होती है पंजाब वाली, वो ज़्यादा बेस्ट हैं एज़ कम्पेयर फेडरल बोर्ड, क्योंकि फेडरल बोर्ड केपी के एक सिलेबस चला, लेकिन अगर आपने एनईटी के लिए स्पेशली कहें तो उसमें फेडरल बोर्ड वाली किताबें भी चल जाएंगी और उसमें काफ़ी एनईटी कवर हो जाएगी, लेकिन आप ई कैट की तरफ जाएं तो उसमें पंजाब वाली किताबें आपको लाजमी करेंगी। आपने इस तरह करना है कि आपने एक चैप्टर पढ़ने, उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लें कोई भी, उसमें अपने एम सी क्यूज की उस चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाने, और साथ ही एक अपने अलहदा पेज पे उसके फार्मूले और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो नोट कर लेने, ताकि जब आप आखिरी दिन में जाएं तो आप उसके रिवीजन कर सके दोबारा। इस तरह आपने सारे चैप्टर कवर कर लेने। और बाकी ये कि एंट्री टेस्ट में इम्पोर्टेंट और अन इम्पोर्टेंट में जब हम जाते हैं तो उन्होंने काफ़ी सारे एम सी क्यूज बनाए होते हैं जो शफल करके देते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने तकरीबन पूरे कोर्स से ही एमसीक्यूज बनाए होते हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि उन्होंने एक चैप्टर से बनाया है या उससे नहीं बनाए, तो
तो आप कोशिश कीजिए कि आप सारी बुक्स बुक ही करके जाएं और रिस्क ना लें। बाकी ये कि आप तैयारी के लिए किप्स वाली बुक को प्रेफर करें, उस पर एमसीक्यूज काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन आपने वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। अगर आप वो बुक कर लेंगे तो आपको एनईटी वाले एमसीक्यूज बहुत आसान लगेंगे। यूनिट टेस्ट में सबसे अहम चीज़ होती है वो कंसेप्ट होते हैं, इसके कंसेप्ट भी आपको हर चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए, और कंसेप्ट के अलावा आपको फार्मूले और वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ये अपनी याद करनी है। FSE के कोर्स की प्रैक्टिस हो सके उतनी करें। अगर आपके किसी एक एनईटी में नंबर नहीं आते तो आपने टेंशन नहीं लेनी और आपने अगले के लिए तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह अगले में आराम से आ जाएंगे। बाकी अपने टेस्ट के दौरान बिल्कुल कूल रहना है और पैनिक नहीं करना। और दूसरा ये कि वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए अपने मैथ के छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं चीज़ों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, आपने वो ट्रिक देख के जाने हैं और उन्हें याद कर लेना है, और ताकि आपको वहाँ पे टाइम बचे और आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकें। टीम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपने जितने एमसीक्यूज है सारे ही अटेम्प्ट करके आने हैं। में आपको टाइम बच रहा है 10 मिनट और एमसीक्यूज है 50-60, तो आप बजाय सॉल्व करने के वहाँ थुक्के मारना शुरू कर दें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ठीक हो जाएंगे। नकल तो बिल्कुल नहीं होती, तो नकल का ख्याल जहन से निकाल के जाइएगा। और दूसरा, आपने एनईटी देने से पहले नींद पूरी करके जानी है और खाना खा के जाना है, और वहाँ पे पानी आपको देंगे टेस्ट के दौरान भी। और अगर आप नाश्ते काफ़ी दूर हैं तो आपको चाहिए कि आप शाम वाला टाइम रखें, लेकिन अगर शाम वाला टाइम नहीं तो आप एक दिन पहले चले जाएं ताकि आप आराम से रेस्ट करके एनईटी देने जाएं। आपको पेंसिल पेज और वो सारा कुछ वो दे देंगे, आपने कुछ भी साथ नहीं लेके जाना, बाकी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और आपको ये ख्याल कर लीजिएगा कि आपके वो सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया और इसके अलावा जितनी बातें मुझे पता थी मैंने कोशिश की कि आपको सभी बताऊँ। अब भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इंस्टा का अकाउंट दे दूंगा, तो आप मेरे से वहाँ भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके फ़ायदा पहुँचाया होगा, और बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।